नमामि धन्वन्तरि वादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुपायमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सर आज नहीं है शायद। अच्छा हैं नजर हम है सर। जी। तो सर ये 61 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। अच्छा भाई जी, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? दूसरा दूसरा चैप्टर चल रहा है विरेचन चैप्टर कल्प। विरेचन कल्प। हाँ 61 पढ़ दूं ना मैं? विरेचन ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में श्लोक के उसमें पढ़ाया जाता है। हाँ वाह बहुत बढ़िया। अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभूतस्य अल्पगर्भतां कुर्यात् संश्लेष विश्लेषं कालं संस्कार युक्तिभिः। वाकई इसका अगला अगला जो है शायद मुझे लगता है हाँ इसी। एक मिनट रुके। एक मिनट सर। हाँ एक मिनट। वाह त्वक्पेसरा। हाँ त्वक्केसराम त्वक्पेसराम आम्रतकदाढ़िम एला शीतोपला माक्षिकमातुलं मद्देन तैस्तश्च मनोनुकूले युक्तानि देयानि विरेचनानि। श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सून श्रीमद्वाग्भट्ट विरचिता याम अष्टांग हृदय संहितायाम पंचमे कल्प सिद्धि स्थाने विरेचन कल्पो नाम द्वितीयो अध्याय। मात्रा या वीर्य में अल्प भी औषध को महान कार्य करने वाली अथवा मात्रा एवं वीर्य में प्रचुर भी औषध को थोड़ा कार्य करने वाली काल संस्कार युक्ति की संश्लेष और विश्लेष के द्वारा करें। दालचीनी नागकेसर आम्रातक अनारदाना इलायची मिश्री मधु मातुलुंग मद्य और अन्य जो मन के अनुकूल हो उनके साथ मिलाकर विरेचन देना चाहिए। एक विरेचक औषध मात्रा और वीर्य में अल्प हो तो उसे काल मध्यान्ह में संस्कार गुणांतार उत्पादन से अन्य विरेचक औषध से भावना दे आदि देकर युक्ति योजना प्रकार से बड़ी मात्रा में या अनुपान भिन्नता से दें। यह संश्लेष मिलाकर देना है। अति तीक्ष्ण विरेचक औषध बहुत वीर्यशाली हो तो उसे प्रातः काल में भजन भोजन के उपरांत मंद वीर्य वाली औषध से भावित करके थोड़ी मात्रा में दें। यह विश्लेष है। इस प्रकार करने से विरेचन का सम्यक योग होता है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में कल्प सिद्धि स्थान का विरेचन कल्प नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जी वैद्य जी थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा मेडिसिन हमें हमेशा सोचना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए कि मात्रा में कम हो और वीर्य में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो और महान कार्य करे। अगर वीर्य में अल्प भी है लेकिन वो बहुत अच्छा और पोटेंट है दवाई। उसका इफेक्टिवेसी जो है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है कि मात्रा और वीर्य में प्रचुर औषध भी थोड़ा कार्य करने वाली हो, ये भी देखना चाहिए। दोनों ऑप्शन है। और काल संस्कार युक्ति के संश्लेष और विश्लेष के द्वारा, मतलब दो तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, या हम लोग कुछ मेडिसिन हटा देते हैं, इसके द्वारा हम लोग काल का विचार करते हैं, संस्कार का विचार करते हैं, युक्ति का विचार करते हैं, तो उस तरह से हमें चिकित्सा करनी चाहिए। और दालचीनी नागकेसर अमरातक अनारदाना इलायची मिश्री मधु मातुलुंग मध्य और अन्य,
जो मन के अनुकूल हो सब उनके साथ मिलाकर विरेचन देना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं कि एक विरेचक औषध मात्रा और वीर्य में अल्प हो तो उसे काल मध्यान्ह में संस्कार गुणांतर उपादान से अन्य विरेचक औषधि से भावना दे देकर युक्ति योजना प्रकार से बड़ी मात्रा में या अनुपान भिन्नता से देना है। मतलब या तो हम मेडिसिन जो दे रहे हैं विरेचक औषध उसे दोपहर में दें, या फिर अन्य औषधियों की भावना देकर दें, युक्ति योजना प्रकार से बड़ी मात्रा में दें, अनुपान बदल बदल के दें। तो यह संश्लेष मतलब मिलाकर देना है, या फिर विश्लेष, या अति तीक्ष्ण विरेचन औषधि जो बहुत वीर्य वाली हो उसे प्रातः काल में भोजन के उपरांत दे, मंद वीर्य वाली है तो भावित करके थोड़ी मात्रा में दे, यह विश्लेष है। इस प्रकार देने से विरेचन का सम्यक योग होता है, ऐसा बताया। चलिए इसकी टीका पढ़ना है, रुकिए मैं इधर ये ला देता हूँ। हाँ अभी कौन पढ़ना चाहेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है, प्लीज कोई टीका पढ़ दीजिए। माधुरी मैम आप पढ़ेंगी कौन सा नंबर है वो इधर लास्ट इदिश्य पहला? लास्ट। हाँ, अल्पस्य वीर्येण मात्राय वा कदाचित अल्प औषध योग्यस एक मिनट योग्यस केन चित्त तद योग्य औषध सश्लेषेण तस्य महा महा सर अर्थत क्या वो बढ़ नहीं रहा है मेरा जरा स्क्रीन पे। महा महाअर्थत्वम कार्यम, अर्थत्वम कार्यम तथा रुकिए क्या सर उठ ही रहा। हाँ इस सेट कालेन या सर ये मेरा स्क्रीन ही नहीं बढ़ रहा है। हाँ तथा काले न म या वा दिना तथा संस्कारेण तद योग्य न तद योग्य ना गुणांतरोत्पादनेन। एक मिनट स्क्रीन गुणांतर उत्पादेन तथा युक्तया योजना प्रकार विशेषण तथा वीर्यन प्रभु तस्य मात्रया अथवा महा अर्थस्य कदाचित केन ची द्रव्येन विश्लेष कृत्वा तस्य अल्पकर्मत्वं कार्यं तथा कालेन प्रत्युषादिना मंदवीर्येण तथा संस्कारेण गुणांतराधानेन तथा युक्त या तादृशया अल्पशक्तित्वलक्षण कर्म कार्यम त्वकेसरादि भी स्तय अनयश्च तथा विवय मनु मनो अनुकूलय मानस प्रिय औषधर औषधैर युक्तानि विरेचनानि देयानि एव कृते सति सभ्य सब संयज्ञयोगो विरेचनस्य स्यादिति उपजातिरवृत्तम इति श्री मुरुगांगदत्तपुत्र श्रीमद अरुणदत्त विरचिता यामष्टांग हृदयी टीकाया सर्वांग सुंदर व्याख्याया पंचमे कल्प सिद्धि स्थाने विरेचन कल्पो नाम द्वितीयो अध्याय समाप्त। जी, इसका मतलब ये है कि अल्पस्य अल्प का मतलब यह है कि वीर्येण मात्रा वा कदाचित अल्प औषध योग्यस्य, मतलब यहाँ पे वीर्य में वीर्य के साथ मात्रा, वीर्येण कौन सी विभक्ति है, तृतीय एकवचन, मात्रया भी तृतीय एकवचन है, वीर्य में और मात्रा में कदाचित अल्प औषध योग्यस्य, मतलब थोड़ा सा हम औषधि दे रहे हैं, कदाचित अल्प औषध योग्यस्य, योगस्य मतलब उसका फॉर्मुलेशन दे रहे हैं अल्प औषधि का, कदाचित तद योग्य औषध संश्लेषण मतलब कुछ योग्य औषधियों का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तस्य महार्थत्वम कार्यम उसका महान बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तथा कालेन कालेन इसका मतलब यह है कि मध्यान्ह दिनाम मतलब उसको मध्यान्ह में देना है, दोपहर में देना है, तथा संस्कारेण तद्योग्येन, संस्कारेण का मतलब है कि तद्योग्येन गुणांतरोत्पादेन मतलब योग्य रूप से गुणांतरोत्पादेन मतलब उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग जब दे रहे हैं तो अलग अलग संस्कार हुए गुणांतराधानम, ऐसे बोल रहे हैं कि उसके गुणों में वृद्धि होती है जब संस्कार करते हैं, तो संस्कारेण कौन सी विभक्ति है, तृतीय एकवचन, उसके संस्कार के साथ जब हम लोग देते हैं तो उसमें गुणांतरधान होता है, तथा युक्तया इस तरह से युक्ति प्रयोग करते हैं, योजना प्रकार विशेषण, योजना का अलग अलग प्रकार होता है, इस तरह से विशेष रूप से जब देते हैं, तथा वीरेण प्रभुतस्य
तो उसमें वीर भी बहुत ज्यादा रहता है, पोटेंसी बहुत ज्यादा रहता है। मात्रया अथवा महार्थस्य, मतलब मात्रा देते हैं तो उससे बहुत बड़ा अर्थ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कदाचित केनचित द्रवेण, कभी कभी हमें द्रव्यों का विश्लेष कृत्वा, मतलब अलग अलग देना पड़ता है, कभी सुबह दिया, दोपहर दिया, रात को दिया, या मेडिसिन को कॉम्बिनेशन को कम ज्यादा करके देना पड़ता है। तस्य अल्प कर्वत्वम कार्यम, उससे कभी कभी अल्प कार्य भी हमें दिखाई देता है। तथा कालेन, तो हमें काल के हिसाब से देखना है, तो प्रत्युषा देना मंद वीरेण, प्रत्युष मतलब सुबह के टाइम पे मंद वीर वाली औषधि दे। तथा संस्कारेण गुणांतराधानेन, मतलब संस्कार करते हैं तो गुणांतरधान होता है। तथा युक्तिया तादृश अल्प शक्तित्व लक्षणम कर्मम कार्यम, तो उस तरह से युक्ति पूर्वक करते हैं तो अल्प शक्ति का भी लक्षण हमें दिखाई देता है, ऐसा कर्म दिखाई देता है। त्वक केसराधिपतिश्च, मतलब त्वक मतलब दालचीनी, केसर आदि को हम लोग देते हैं अन्यश्च तथाविद, अन्य रूप से जब देते हैं मनोनुकूल ही, मनोनुकूल जब देते हैं मानस प्रिय ही, मतलब मन के प्रिय, औषधि युक्तानि विरेचनानि देयानि, औषधि युक्त को विरेचन के रूप में हम लोग जब देते हैं, एवं कृते सति, इस तरह से जब हम देते हैं, सम्यक योगो विरेचनस्य, सम्यक रूप से विरेचन देते हैं, ऐसा इन्होंने अर्थ बताया। उपजाति वृत्तम, यहाँ पे उपजाति वृत्त है। इति श्री मृगांक दत्त पुत्र श्रीमद अरुणदत्त विरचिताया, ये जो मृगांक दत्त हैं उनके पुत्र का नाम अरुणदत्त जी हैं, उन्होंने अष्टांग हृदय टीकाया, अष्टांग हृदय टीका के साथ सर्वांग सुंदर की व्याख्या, पंचमे कल्प सिद्धि स्थाने, ये स्थान में कौन सा है तो कल्प सिद्धि स्थान है, विरेचन कल्पो, विरेचन कल्प नाम का द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया। अब इसका हमें आयुर्वेद रसायन पढ़ना है, ये कौन पढ़ेगा प्लीज, कोई पढ़ दीजिए। हाँ प्रणाम सर, मैं पढ़ देती हूँ सर। प्रणाम जी पढ़ सर। दीजिए। आयुर्वेद रसायन टीका। हाँ उक्तानां विरेचन कल्पानां किंचित् विशेषम् आह हाँ अल्पस्य इति संश्लेष अनुक्तस्य विश्लेष उक्तस्य काल अवस्था विशेष संस्कार पाक भावनादि युक्ति मात्रा अल्पत्व बहुत्वादि इति हाँ हेमाद्रि टीकायां आयुर्वेद रसायने एकौषधम् प्रकरण सामास्येन निरूपितम्। अर्थ बताने का कोशिश करिए। आयुर्वेद रसायन ने बताया उक्तानां विरेचनम कल्पानां, जो विरेचन कल्प है किंचित हाँ विशेषम आह जो अल्प मात्रा में दिए जाते अल्पस्य इति ये शब्द से किंचित विशेषम आह ऐसा बोला है, इस श्लोक से शुरुआत की है अल्पस्य इति। संश्लेष मीन्स अनुक्तस्य, वो मीन्स संयोग के साथ किसी और औषधि को मिलाकर उसका देना है, उसके गुण बढ़ाने हैं। और विश्लेष मीन्स उसमें जो मात्रा में अधिक गुण है उनको कम करने के लिए किसी और औषधि को मिलाना है सर, बराबर है हाँ अति मात्रा में। हाँ काल अवस्था विशेषानुसार उसका संस्कार भावना आदि से उसके गुण बढ़ाने और कम करने हैं, हाँ युक्ति पूर्वक उसका इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। पता हाँ नहीं सर, सर आप बता दीजिए प्लीज। ऐसा है कि उक्तानाम विरेचन कल्पानाम किंचित विशेषम महा अल्पस्येति, अल्पस्येति जो श्लोक है इसका शुरुआत अल्पस्येति से हुआ है। तो उक्तानाम विरेचन कल्पानाम, मतलब जो पहले विरेचन कल्पों के बारे में बताया है, किंचित विशेषम आह, कुछ कुछ स्पेशल के स्पेशल चीजों के बारे में बताया है। आह मतलब कहा है, संश्लेष मतलब अनुक्तस्य, संश्लेष मतलब जो नहीं कहा है, विश्लेष मतलब उक्तस्य जो कहा है, काल मतलब अवस्था विशेष, संस्कार मतलब पाक भावनादि, मतलब पाक करना है या भावना देना है आदि, युक्ति मतलब मात्रा अल्पत्व बहुत्वादि, मतलब युक्ति मतलब मात्रा अल्प भी हो सकता है या बहु भी हो सकता है। इति हेमाद्रि टीकायाम, इस तरह से हेमाद्रि की टीका का आयुर्वेद रसायन ने, आयुर्वेद रसायन का औषध प्रकरण, औषध प्रकरण में समस्ते निरूपितम, समस्त रूप से निरूपित कर दिया गया है। अभी जो तृतीय अध्याय है वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा है। वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय, मतलब वमन विरेचन कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसको किस तरह से हमें ठीक करना है ये हम कल करेंगे। अभी आप लोगों में से कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए।
डॉक्टर आदित्य सर आप करेंगे? हम एक चैप्टर अभी कंप्लीट कर रहे हैं तो कोई कर दे। माधुरी मैम आप करेंगी भगवान का प्रेयर? सर मैं जरा डब्बा बना रही हूँ सर, हाँ ठीक मतलब है, कोई कर दीजिए। आरती मैम आप करेंगी भगवान का प्रेयर? एक लाइन में भी कर दिया तो भी चलेगा। महेंद्र सर आप करेंगे? मैं करती हूँ सर, मैं अच्छा करती दोनों हूँ। लोग कर दीजिए, मनीषा मैम करके महेंद्र सर भी कर दीजिए। हाँ सुंदर गोपालम उर्वन मालम नैन विशालम दुख हरम। सुंदर गोपालम उर्वन मालम नैन विशालम दुख हरम। वृंदावन चंद्रमानंद कंदम परमानंद धरणी धरम। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नैन विशालम दुखहरम। आप कर दीजिए सर। हाँ महेंद्र सर आप कर दीजिए। आदो राम तपो बना दे गमनम गात्वा मृगाम कांचिनम वेदी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषिणम वाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनुनम श्री रामायणम। रामायण का सारांश है सर ये सारा ही। थैंक यू जी सर। थैंक यू सर। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।